तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग किस चीज के लिए होता है, ये हमने आपको कल की क्लास में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं उसी चीजों में। देखिए, इवेंट मतलब जो आप करना चाहते हैं, जो आप आपकी जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है वो आपकी किसी पर्टिकुलर एक्शन पे ऑटोमेटिकली वर्क कर जाए, दैट कॉल्ड इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, राइट। तो आपके एक एक्शन पे आपका इवेंट परफॉर्म हो जाए उसको हम कहते हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। मतलब कभी कहीं क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कोर्स, और यहाँ पे हमारा हो गया मोड। कोर्स हमारा दो है, एक्शन एंड वीवी मान लीजिए डाल दिया, मोड है हमारा पेन ड्राइव एंड मान लीजिए मैंने बोल दिया ऑनलाइन, राइट। तो मैं इसमें ड्रॉप डाउन मैंने एक कोलैप्स एंड एक्सपेंड का सिस्टम लाना चाहता हूँ, कोलैप्स एंड एक्सपेंड का। तो कोलैप्स एंड एक्सपेंड का सिस्टम के लिए हमें क्या करते हैं, हम लोग हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहां डेटा मेनू बार में हमारा होता है, डेटा मेनू बार के अंदर आप जाते हैं तो आपको यहां पे दिखता है ग्रुप, आपने इसको ग्रुप कर दिया तो इस तरह से ग्रुप होके आ गया, और इसको भी सिलेक्ट करके हम इसको ग्रुप कर देते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि मैं मेरे पास दो मोड दिखेंगे, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वीवीएम से खुल के आएगा, और इस पे क्लिक करूंगा तो एक पीडी और ऑनलाइन खुल के आएगा, राइट। लेकिन ये तो हमने वीवीएम के थ्रू किया, इसके लिए यहां पे यहां प्लस हो गया, मैं चाहता हूं इस पे डबल क्लिक करते ही हो जाए, तो कैसे करेंगे। चलिए इसके लिए हम इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। क्लास में है तो इसको हम कैसे करें, तो सबसे पहले तो अनग्रुप कर देते हैं, और इसको भी अनग्रुप करते हैं, हाइड है इसको अनहाइड कर देता हूं। तो इसके लिए हम जाएंगे, राइट क्लिक करते हैं व्यू कोड, सॉरी व्यू कोड, और यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे वर्कशीट, और यहां पे और एक मिनट सिलेक्ट हुआ, और यहां पे सिलेक्शन जिन नहीं, मैं यहां पे रखता हूं डबल क्लिक, बिफोर डबल क्लिक, तो बिफोर डबल क्लिक ले लिया, और यहां पे हमारा सिलेक्शन चेन टू आ गया। मैं यहां पे लिखूंगा, इस पर डबल क्लिक करते ही ये हाइड हो जाए। तो कंडीशन है कि इफ एक्टिव सेल डॉट एड्रेस equal to 2 1 cell 2 1 dot address। इसलिए किया कि इस पे डबल क्लिक, हम डबल क्लिक इस पे कर तब परफॉर्म हो, इसलिए मैंने यहां पे कंडीशन दिया कि एक्टिव लिखा एड्रेस और सेल 2.1 का एड्रेस अगर इक्वल है तो। लेकिन दूसरा कंडीशन और भी है कि अगर ये हाइड है तो अनहाइड करें, एंड रेंज 3 to 4 मैं इन्वर्टर कॉमा डालता हूं,
डॉट हिडन Hidden equal to false. So range three to four dot hidden equal to true. ये आपका hide कर देगा. फिर ये पूरी कंडीशन होगी लेकिन किसके साथ? एल्स के साथ. और यहां पे इस फॉल्स की जगह पे ट्रू हो जाएगा. और यहां पे हमने कंडीशन कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया कि यह हिडन इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए. और फिर यहां पे एलिफ. और इसी कंडीशन को हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट करते हैं. बस यहां टू के जगह पे हमारा हो जाएगा सिक्स. यहां हो जाएगा सिक्स और ऊपर भी हो जाएगा हमारा सिक्स. और ये थ्री टू फोर के जगह पे हो जाएगा सेवन और एट. यहां पे सेवन और यहां भी हम कर देते हैं सेवन टू एट. सेवन टू एट और यहां भी हम कर देते हैं सेवन टू एट. ठीक है. अब यहां पे देखिए, अब मैंने इस पे डबल क्लिक, एक मिनट रिवर्क करता हूं. ऐसा हिडन भी नहीं हुआ लेकिन ऑप्शन ऐसा क्या आ गया. रेंज थ्री टू फोर. ओ हाँ हाँ हाँ, छोटी सी गलती हमने कर दी. यहां देना होगा एंटायर रो डॉट हिडन. अब इसमें नीचे भी होगा हाँ. तो जहां जहां है वहां वहां मुझे एंटायर रो लगाना होगा. फिर इसको डबल क्लिक करूंगा तो अनहाइड हो जाएगा. हाइड और यहां हमारा अनहाइड. सेम ऐसे ही हाइड और यहां हाइड. अब एक चीज देखिए कि यहां पे हम रेंज थ्री टू फोर लिया और इसमें एंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे समझाइए प्रीतम जी. मैं यहां एंटायर रो की करने की क्या तर्क क्या है? हेलो, इसमें एंटायर रो करने का क्या मतलब? क्योंकि वो ग्रुप तो सेल वाइज नहीं होगा ना, एंटायर सो ही होता है. ग्रुप मतलब समझा नहीं. हम ग्रुप का ग्रुप में तो हाइड कर रहे हैं. ग्रुप कहां से आ गया इसमें? हाइड भी करेंगे तो सिंगल सेल हाइड होगा ना. देखिए होता क्या है, सिंगल सेल हाइलाइट में हाइड नहीं होता. यहां जब भी होगा हाइड तो पूरी की रो होगी. हिडन फैसिलिटी पूरी की पूरी रो पे वर्क करती है.
हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा आगे चल के कि आप जब भी इसको यूज कीजिएगा एंटायर रो या कॉलम्स तो हो एंटायर रो यूज कीजिएगा। हेलो हाँ जी सर, अगर सपोज दैट हम किसी देखो डैशबोर्ड बना रहे हैं, हम उस पे देख बगल में डी कॉलम में, एच कॉलम में, सी कॉलम में कुछ और ऐसी कुछ कंडीशन देते हैं, तो वहां पे तो ये फिर काम नहीं करेगा राइट, नहीं। क्योंकि एंटायर रो हो जाएगी तो वो भी हाइड हो जाएगा। इससे हाँ मतलब हम एक ही जगह पे एक ही कंडीशन दे सकते हैं खाली है, राइट। राइट ठीक है। और उस केस अच्छा तो हाइट तो पूरी पूरी रो या कॉलम होगी ना। नहीं, मैं इस अगर उसको हम जैसे डैशबोर्ड वगैरह में किसी चीज में अगर यूज वो कर तो रहे फिर हैं वो इस पिवट वाला फीचर आप सोच रहे हैं, पिवट वाला फीचर यहाँ पे यूज नहीं होगा। चीज। ठीक है क्लियर है। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ अच्छा सुजीत जी, हम किस किस कंडीशन में जो ऊपर आपने सेलेक्ट किया हुआ वर्कशीट, ये हम ये बार डबल कंडीशन क्लिक सेलेक्ट है कर। कि सीट के किसी भी सेल के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो मेरा एक ऑटोमेटिकली अच्छा रन कर जाएगा। किसी भी सीट के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तब तक तो हम वर्कशीट मॉड्यूल में, मतलब वर्कशीट वाले उसमें हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे। अगर हाँ ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल और हम आपको समझाने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे एक नेम लिखते हैं, नेम ऑफ लिस्ट देते हैं कि नेम नेम, और यहाँ पे मान लीजिए जैन फेब के हिसाब से मैं सेल हमारा सेल का लिस्ट दे देते हैं ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं पूजा नीरज इस तरह से। ये आप कैसे करते हो सुजीत जी, नाम लिख के जब इसे ड्रैग करते हैं तो अलग अलग नाम हो जाते हैं। सर ये हमने कस्टम लिस्ट बना रखा है एक एक्सेल में जाके, एक्सेल ऑप्शन अच्छा ऑप्शन के अच्छा एडवांस में जाएंगे कस्टम लिस्ट होता है, वहाँ लिस्ट तैयार कर लिया। जैसे जैन फैब होता है, मंडे फ्राइडे होता है ना, ये होता है। अब जैसे मेरे पास ये डेटा आ गया, लेकिन क्या है कि मुझे चार्ट जो चाहिए वो चार्ट चाहिए किसी एक का। तो जनरली हम डायनेमिक चार्ट में बताते हैं पढ़ाते बच्चों की, हम ऑफसेट लगा लेते हैं कि ऑफसेट यहाँ पे कॉमा, इसमें से एक उठाए कॉमा जीरो, नहीं हाँ जीरो कर देता हूँ ठीक है। फिर हम इसको फ्रीज कर देते हैं F4 से और इसके तरफ आगे ड्रैग कर देते हैं, इसके ऊपर हम चार्ट क्रिएट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि मेरा हमारा जो चार्ट क्लियर हुआ ये पूजा का हुआ राइट। अब यहाँ पे मैं टू करूंगा तो ये दूसरा नीरज का हो जाएगा, थ्री करूंगा तो यहां से हो जाएगा। इसके लिए हम डेवलपर टाइम में जाते हैं और हम बटन्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं, ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स भी क्रिएट करते हैं कि भाई कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट करूं, मैं यहाँ टाइप ना करूं, कॉम्बो बॉक्स नाम सेलेक्ट करूं, तो ये चीज भी हम करते हैं। हम फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ पे इनपुट लिस्ट ले लेते हैं और यहाँ से सेल लिंक यहाँ ले लेते हैं। ये हम डायनेमिक चार्ट के वाले सेक्शन में ये चीज हम कवर किए हुए हैं। तेजेंद्र तेजेंद्र जी आपको तो पता होगा ना सर, ये आपको तो पढ़ाया था। जी सर। तो ये हो गया, लेकिन मैं अब एक से आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे क्लिक किया तो पूजा आ जाए, नीरज किया तो नीरज का आ जाए, क्लिक करते ही यहां पे डेटा मुझे दिख जाना चाहिए ठीक है, ओके क्लिक करते ही डेटा हमारा दिख जाना चाहिए। क्लियर है विदाउट इसमें? नहीं तो उस केस में क्या करेंगे, हम इवेंट मैक्रो पे जाते हैं, व्यू कोड, और इस बार जो सिलेक्शन देंगे वो सिलेक्शन देंगे हम वर्कशीट, और यहाँ पे सिलेक्शन चेंज बाय डिफॉल्ट आ जाता है, मतलब कि हम कर्सर चेंज करते ही हमारा ऑटोमेटिकली रन हो जाए राइट। तो यहाँ पे हम देंगे कोड रो नंबर 3। हाँ सिंपल सा कौन सा रो है हमारा,
एपी। हाँ यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले कंडीशन देना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन इनके बीच में हो, 2 से लेके 7 तक ही होना चाहिए राइट। और कॉलम होना चाहिए 1। तो हमने दिया कि इफ एक्टिव सेल डॉट रो इक्वल रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन होगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू दिया 1 एंड एक्टिव सेल डॉट रो इज लेस देन इक्वल टू क्या हमारा 7 एंड एक्टिव सेल डॉट कॉलन इज इक्वल टू 1 देन क्या करें रेंज A10। और भी चीजें इसमें हो सकता है, सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो और यहां पे एंटर। अब जैसे मैं यहां पे कर्सर रखूंगा देखिए हो गया सर। मैं यहां कहीं और क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं दिखेगा यहां पर, नो चेंज होगा। लेकिन जैसे नेम पे क्लिक करूंगा तो उसके हिसाब से मुझे दिखेगा। लेकिन दिक्कत आ गई, हमने 6 किया यहां पे, पूजा करता हूं तो 2 मतलब नीरज था, मतलब मुझे यहां -1 करना पड़ेगा। अब सही है, कविता का, मोहन का, उदय का, इंद्र का, ठीक है सर। हेलो, अभी नेम पे करता हूं तो चेंज हो रहा क्योंकि हमने यहां पे ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया था।